हेलो हाय हाउ आर यू ऑल माय नेम इज़ गरिमा शर्मा एंड आई हार्टली वेलकम यू ऑल टू उत्कर्ष लॉ क्लासेस कम लेट्स बिल्ड अ यूजिंग उत्कर्ष वोकैबुलरी बूस्टर सो व्हाट्स देयर इन द बैग विद उत्कर्ष वोकैबुलरी बूस्टर फर्स्ट वर्ड इज ट्रैजिक व्हाट डज दिस मीन ट्रैजिक ट्रैजिक मींस कॉजिंग और कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीम डिस्ट्रेस और सोरो जब हमको बहुत दुख होता है तो हम उस वर्ड को हम तो हम उस चीज को क्या कहते हैं बहुत ही ट्रैजिक सीन हो गया है या ये तो बहुत ही ट्रैजिक सिचुएशन है तो इसके क्या होंगे ड्रेडफुल शॉकिंग टेरेबल पेनफुल और इसको हम किस तरह से जो है तो सेंटेंस में डाल सकते हैं इसको इस तरह से सेंटेंस में डाल सकते हैं देर वॉज अ ट्रेजिक एक्सीडेंट येस्ट डे विच मींस दैट के भाई कल जो है बहुत ही ट्रैजिक बहुत ही दुखद एक्सीडेंट हो रखा है ये था हमारा फर्स्ट वर्ड सेकंड वर्ड क्या कह रहा है हमारा सेकंड वर्ड इज टॉड्री टॉड्री मीन्स शोई बट चीप एंड ऑफ पुअर क्वालिटी दैट मीन्स समथिंग दैट इज वेरी लाउडी बट इट इज नॉट ऑफ दैट क्वालिटी और फ्लैशी वाल चीप एंड स्लीजी तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वो चीज जो है दिखने में तो बहुत अच्छी लगती है लेकिन जो है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है उसको हम क्या कहेंगे टॉड्री इसका और यहाँ पर जो इमेज दे रखी है ये इमेज जो है वो किस तरह की है के भाई बकरी की खाल या भेड़ की खाल भेड़ की खाल में भेड़िए का होना तो यहाँ पर जो है क्वालिटी जो है उसकी खराब है लेकिन जो है वो दिखने में बहुत ही अच्छा है इस वजह से हम उसको क्या कहेंगे टाउड्री और इसको जो है हम किस तरह से यूज कर सकते हैं सेंटेंसेस में तो इसको सेंटेंसेस में इस तरह से यूज कर सकते हैं कि समथिंग दैट इज वेरी टाउडरी और दैट इज वेरी ऑफ वेरी सब स्टैंडर्ड क्वालिटी तो नेक्स्ट वर्ड uh, क्या है हमारा नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या रहेगा ब्रूटल ब्रूटल मीन सिवियरली वॉयेंट और सैविजली वॉयेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड को किस तरह से मार रही है बहुत ही ब्रूटली मार रही है और इसलिए इसके जो हम सिदरिम कह सकते हैं वो होंगे क्रूअल बार्बरिस एंड इम्पोलाइट इसका मतलब क्या है कि बहुत ही जो है क्रूअल है बार्बरस है बिल्कुल भी दया नहीं है और इम्पोलाइट है वो लाइट तो बिल्कुल नहीं है और इसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं दैट समवन इज किलिंग सम अनादर वेरी ब्रूटली इसका मतलब क्या होगा कि जैसे सेंटेंस में किस तरह से यूज कर सकते हैं दैट जनरल डायर किल्ड किल्ड मास किल्ड मास पोजेशन वेरी ब्रूटली ओके नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोल रहा है यूबिकटिस वट डज दिस मीन यूबिकुटिस यूबिकटस का मतलब होता है समवन और समथिंग थिंग दैट इज प्रेजेंट एवरीवेयर जो हर जगह प्रेजेंट है जैसे भगवान तो यहां पर इसका सन्निम क्या होंगे एनीवेर uh, uh, और यूनिवर्सल भी यही होगा और ग्लोबल का मतलब भी यही होगा यहाँ पर जो है हम यूबिकटिस को किस तरह से सेंटेंसेस में फ्रेम कर सकते हैं दैट गॉड इज ओके? और समथिंग दैट इज प्रेजेंट एवरीवेयर ओके नेक्स्ट वो वर्ड हमारा क्या रहेगा रकस रकस मीन्स कोमोशन और डिस्टर्बेंस सो हियर सिनोनिम फॉर रकस विल बी डिस्टर्बेंस फर्स्ट ब्राउल और डिसऑर्डर ओके okay? जब किसी तरह का कामोशन होगा कभी हमको पढ़ाई में डिस्टरबेंस होता है तो हम उस चीज को क्या कहेंगे कोमोशन हो रहा है डिस्टरबेंस हो रहा है ओके okay? तो यहाँ पर हम कोमोशन वर्ड को सेंटेंस में कैसे लिखेंगे सेंटेंस में हम कोमोशन को इस तरह से लिख सकते हैं दैट दैट द बरातीज और द कंस्ट्रक्शन इन द नियर बाय बिल्डिंग कॉज्डे caused, uh, caused कोमोशन इन our हाउस means कि भाई जो है हमारे पास वाली जो बिल्डिंग है उसमें क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो हमारे घर में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है ओके नेक्स्ट ओकेबलरी बिल्डर दैट इज लियासन वट डिस मीन लियासन लियासन का मतलब होता है कम्युनिकेशन और कोऑपरेशन Which facilitates अ क्लोज वर्किंग रिलेशनशिप बिटवीन पीपल और ऑर्गेनाइजेशन इसका मतलब क्या है कि भाई जब कम्युनिकेशन हो रहा है कम्युनिकेशन के साथ में कोऑपरेशन भी हो रहा है किसी चीज का जिस वजह से क्या है कि क्लोज रिलेशनशिप बन जाता है ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं उनके बीच में तो हम उनको क्या कहेंगे लियासन और लियासन का जो सनेम होगा वो होगा कॉपरेशन कॉन्टैक्ट कनेक्शन और लिंक ओके तो यहां पर क्या है ज मेड अ लिया दो कंपनीज के बीच में एक कॉन्टेक्ट हुआ एक कोऑपरेशन हुआ जिस वजह से उनके बीच में ट्रेड जो है वो डेवलप हो गया नेक्स्ट वर्ड क्या है, Next word है भाई एलोप वॉट डज दिस मीन एलोप भाग जाना मैं तो भाग रही हूँ इसका मतलब क्या हो गया एलोप तो यहाँ पर रन अवे सीक्रेटली एलोप मीन्स टू रन अवे सीक्रेटली जब हम चुपके से कहीं बाहर चले जाते हैं या उसको हम क्या कहेंगे दैट समवन हैज इलोब्ड नाउ इलोब्ड के जो सिनोनिम होंगे वो क्या होंगे रन ऑफ दूसरा सिनोनिम क्या होगा स्लिप अवे तीसरा होगा एस्केप के भाई भागना रन अवे होना स्लिप अवे होना उसको हम क्या कहेंगे एस इलोप या फिर एस्केप नाउ इसको सेंटेंस के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम इसको सेंटेंस के फॉर्म में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं दैट अ वेडिंग अब्रॉड इज एन एक्सलेंट वे टू इलोप के भाई एक शादी है अब्रॉड का मतलब कि भाई फॉरेन कंट्री में या फिर हमारी जगह से बाहर कहीं शादी है वो जो है भागने का सीक्रेटली जो हमारे एनवायरनमेंट से भागने का बहुत अच्छा तरीका है तो उसको हम क्या कहेंगे वेडिंग अबरौड, वेडिंग अब्रॉड इज एन नाउ साइनिंग ऑफ और अप दिथ Obrigado. What is obrigado? Obrigado is a Portugal, Portuguese word that means thank you all. Okay? Thank you all.